हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका किरण की फुलवारी में। ये देखिए, सुबह सुबह का मेरा गार्डन का नज़ारा। इनके दर्शन तो हो ही जाते हैं। आज कोई ख़ास टॉपिक नहीं है। चलिए गार्डन की झलकियाँ देखते देखते, कुछ गार्डन से ही जुड़ी, कुछ प्लांट से जुड़े ही बातें करेंगे थोड़ी थोड़ी। ये देखिए मेरा पिंक रोज, मैंने शेड में रखा है अभी। ये देखिए, ये मेरा पिंक टिकोमा, मैंने इसको इसी सीजन 2-3 महीने पहले ही मैंने दिखाया भी था आपको, नर्सरी से लाके मैंने इस प्लांट को ऐड किया है फर्स्ट बार। और ये बहुत ही सुंदर प्लांट है। ये देखिए, इसके कटिंग भी लगाने चाहिए मेरे को, एक आध में इससे लेके ज़रूर ग्रो करूँगी। ये देखिए, बहुत खूबसूरत इसके फ्लावर आ रहे हैं। जब मैं इसको नर्सरी से लाई थी तो ये बहुत मुरझाया हुआ सा प्लांट था, लेकिन बहुत ही सुंदर ये हेल्दी से ग्रो किया। बस इसकी मिट्टी चेंज की मैं, फिर ये अपने आप बहुत अच्छा ग्रोथ ले लिया। तो इसके एक दो प्लांट और होने चाहिए तो मैं करूँगी। और ये देखिए, ये ऑरेंज वाला टिकोमा, ये भी मेरे पास कटिंग से लगे हुए बहुत सारे प्लांट हैं। देखिए न्यू न्यू ग्रोथ इसके। यहाँ कोलियस देखिए, ये भी मैं छोटी सी कटिंग लगा दी थी इस बक्से में। और ये है, ये जो पत्तियाँ दिख रही हैं आपको, ये रात रानी का प्लांट है। इसमें भी देखिए, वो सूख सा गया है लेकिन मैं उसको कट कर दूंगी। इसमें पानी बहुत दिन से नहीं डाल पा रही थी तो वो भी संभल जाएगा। ये रात रानी का प्लांट है, ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है। और ये टिकोमा है ऑरेंज वाला, और ये पिंक वाला। तो सभी अपने अपने नए नए फुटाव, नए नए ग्रोथ पे हैं। यहाँ पे भी देखिए, ये टिकोमा है, और ये मैंने कल जट्टूफा दिखाया ही था आपको। और इसमें देखिए, ये जो कनेर है, ये ऑरेंज कनेर है, ये जो मैंने पौध ला के लगाया। इसमें दो प्लांट लगे हुए हैं फ्रेंड। इसको मैं दोनों को अलग अलग शिफ्ट करूँगी जब भी मेरा टाइम मिलेगा, फिर बहुत सुंदर लगेंगे इसके फ्लावर। इसके प्लांट चार हैं मेरे पास, चार छोटे छोटे पौध ला के मैं लगाई थी। ये देखिए, ये जेफरी वाला मैरीगोल्ड इसमें खिल भी गया, बहुत सारे हैं एक ही में। देशी पिटूनिया, ये देखिए, ये बिंका, ये भी हाइब्रिड ही है लेकिन ये पिंक वाला बिंका अच्छे से चल जाता है, रफ टफ देसी की तरह। ये देखिए, इसमें जीनिया, जीनिया के प्लांट 3-4 निकले हैं और वो अच्छे से ग्रोथ पे भी हैं। मैं इसी में रहने दूंगी कुछ टाइम, बाद तो ये डहलिया ख़त्म ही हो जाएगा। उसके बल्ब में इसी में रहने दूंगी ताकि अगले सीजन वो खुद ब खुद उसके पौध निकल आएँ। ये छोटी छोटी चीज़ें पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए, तो हमको नर्सरी से ज़्यादा प्लांट खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए यहाँ पे पिंक वाला बिनका यहाँ पे भी है। ये तो मेरा मधुमालती है, ये अभी खिलना स्टार्ट नहीं हुआ है, बहुत सुंदर से खिलता है। मेरी पिछली वीडियो में आप देख सकते हो, बहुत सुंदर से खिलता है ये झुमका बेल। और मैं आपको दिखाऊं कि इम्पेशन, इसकी कटिंग मैंने कुछ टाइम पहले लगाए थे। देखिए ये सारे के सारे लग गए हैं, एक
दो तीन चार पाँच, 5 से 6 प्लांट तो बिल्कुल हेल्दी तरीके से इसमें ग्रो हो गया। देखिए अब इतने सारे न्यू प्लांट इम्पेशन के मेरे रेडी हो गए, इसको मैं कभी भी शिफ्ट कर सकती हूँ। फ्रेंड ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं ये गार्डन में, छोटे छोटे काम, और इसी से हमारा गार्डन बढ़ता है, सजता है कम खर्च में। हम अपने गार्डन को बढ़ाना चाहते हैं तो हमको ये करते रहना चाहिए। मैं बताती रहती हूँ आपको। कल मैंने चंपा को भी ऊपर से प्रून करके इसके 2 कटिंग और लगा लिए हैं, मैं दिखाऊंगी आपको। ये डहेलिया कटिंग के मैं दिखाती ही रहती हूँ आपको। और ये देखिए ये पेंटास भी कटिंग के ही हैं। तो ये देसी गुलहड़, बहुत सारे बर्ड्स बने हैं इसमें भी, हिबिस्कस में। ये देखिए मधुमालती, इसके 2 प्लांट हैं इसमें, बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं अभी तक। तो ये डायंथस भी, ये रेड वाला बहुत अच्छे से चल रहा है। कलर से भी बहुत फ़र्क पड़ता है, पिंक वाले मेरे 3-4 साल से चल रहे हैं डायंथस, पर ये रेड वाला मैं पिछले साल भी लाई थी तो नहीं बचा पाई। अब इस सीज़न देखते हैं ये बचता है कि नहीं। ये जरबेरा, इसकी इसको थोड़ा सा फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा मेरे को, मैं ध्यान ही नहीं दे पा रही हूँ। ये मैरीगोल्ड है, और ये तो मेरा बहुत ही सुंदर सा क्रोशेंड्रा, इसके सीड मैंने रख लिए हैं कलेक्ट करके एकदम सूखे हुए, और इसके सीड इसके गमलों में गिर के ये अपने आप निकल भी आते हैं। अभी तक तो एक भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, निकल आए तो बहुत अच्छी बात है। तो बस फ्रेंड ये देखिए इम्पेशन, ये इसका मदर प्लांट, यहीं से मैं